Hey guys, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel and another fresh vlog. तो sorry यार दिन में मैं नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि गेस्ट आए थे और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था. अभी भी गेस्ट आए जैसे तो कितना शोर हो रहा है यार. तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो तो मेरे को डेली बनानी होती है. तो जैसे तुम देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेरे को एक्नेज होते हैं, मेरी एक्ने प्रॉन स्किन है, पिंपल्स वगैरह काफ़ी होते हैं मेरे को. तो सभी यार कमेंट करते हैं मेरे को कि यार क्या स्किन केयर रूटीन, तुम्हारी नाइट की क्या रूटीन होती है, तुम क्या यूज़ करते हो. तो तुम्हारे साथ आज मैं शेयर करूँगा. ज़्यादा कुछ नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है. उससे सच में तुम्हारे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे अगर तुम ये चीज़ फॉलो करते हो. मैं इसको आराम पीछे से एक दो महीने से कर रहा हूँ. अगर तुम मेरी पिछली वीडियो चेक करोगे बहुत ज़्यादा मेरे में पिंपल्स थे. अगर तुम 2018 समथिंग की करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स है यार, काफ़ी ज़्यादा. तो हद तक अब थोड़े कम हो गए हैं. जो रेडनेस थी वो भी मैं कम कर रहा हूँ. तो सबके मैं तुम्हें नुस्खे बता दूंगा. तो चलो यार व्लॉग शुरू करते हैं. गाइस सबसे पहले कुछ नहीं करना है, तो तुम्हारे लंबे बाल हैं मुँह में नहीं आना चाहिए. सबसे पहले पानी लेते हैं हम और इसको ना सेट कर लेते, थोड़े पीछे पीछे अच्छे से सेट कर लेंगे हम इसको. थोड़े ज़्यादा लंबे बाल हो गए मेरे, तो कमेंट करके पता कैसे लगते मेरे बाल. नहीं आराम से पीछे सेट कर दूंगा. मेरे पास हेयर बैंड नहीं है यार, अभी मेरी बैंड देती भी नहीं है मेरे को. अभी देख सकते हो यार पिंपल्स काफी ठीक हो गए हैं हद तक. अभी मैं इसको बिल्कुल केयर तो कर ही रहा हूँ कि प्रॉपर. तो अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ना अपना फेस को गीला करना थोड़ा सा. उसके बाद मैं ये वाला फेस वॉश यूज करता हूँ. मैंने पिछले ब्लॉग में बताया तुम्हें हिमालयन का फ्रेश स्टार. तो ये जेंटल स्किन केयर के लिए होता है. ऑयल जो क्लियर तुम्हारी ऑयली स्किन है, ये ड्राई वाले भी लगा सकते हो इसको. तो तुमने थोड़ा सा लेना है यार, पिंपल्स भी ठीक कर देता है ये हद तक. बट जो तुम्हारे मुंह में एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह होती है पक्का उसको ठीक करता ही करता है. अब थोड़ा सा ले लिया मैंने इसको, पहले लगा लेता हूँ मैं अपने मुंह पे. बस अब तुमने ना ये ध्यान रखना कि सर्कुलर वे में इसको रब करना है. तुमने अपने फेस को ऐसे ऐसे रोटेट करना है सर्कुलर मोशन में. तो बेसिकली ज्यादा कुछ हद तक मेरी नाइट रूटीन ज्यादा नहीं करता मैं, सिंपली अभी तो फेस वॉश करूंगा पहले मैं. तो अभी करते रहो, पांच एक मिनट तक तो करना ही चाहिए बेसिकली. मतलब जो इसका लिमिट होता है एक मिनट तक तो तुम्हें करना ही चाहिए ये वाला. तो यार मेरे भाई वगैरह को काफी ज्यादा पिंपल होते हैं, तो तुम यार अगर ये ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली यार तुम्हारे पक्का रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर तुमने करना शुरू कर दिया है तो मैं कमेंट करके पक्का बताना कि हाँ भाई इसमें इफेक्टिव था. और ये वाला फेस वॉश पक्का यूज करना है यार, मैं पक्का रिकमेंड करूंगा. इसकी कॉस्ट बता दो तुम्हें, इसकी कॉस्ट है 75. तो बिल्कुल 100 के आराम से तुम इसको ले सकते हो और आराम से कोई भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा. तो रोटेशन मोड में रोटेट करो इसको. तो एक मिनट तक तुम्हें हद करना ही करना है, एक मिनट तक तो करना ही करना. तो इसको एक मिनट तक करते रहो अभी. A few moments later. यार गाइस एक मिनट हो गए, तो देख सकते हो कि जो फेस वॉश है वो स्किन के साथ मिक्स हो चुका है. अब मतलब थोड़ा सा रोटेट कर लो इसको, जो डर्ट वगैरह वो आराम से निकल जाएगी तुम्हारी. अब कुछ नहीं करना है, पानी से मुंह धोना है इसको पहले साफ कर लेते हैं. हाथ पे जो डर्ट होती है अब इसको आराम से धोना है तुम्हें. A few moments later. तो अभी यार मैं किचन से बर्फ लेके आया हूँ. तो हाँ मेरे यहाँ पे चीज में बहुत ज्यादा रेडनेस है. ये क्यों हुई, ये धूप से हुई और पिंपल से हुई. तो यार देखो तो रेडनेस बहुत ज्यादा और पिंपल्स को ना बिठा देती है एकदम से ये. तो बर्फ लगाओ तो मैं हर बंदे को रिकमेंड करूंगा जिसको पिंपल होगा, आराम आराम से इसको रोटेट कर. ठंडी लगेगी पर कोई बात नहीं यार, तुम्हें अपनी स्किन का थोड़ा देखभाल करनी है तो बिल्कुल इसको रोटेट करो. मैं तो इसको लगाऊंगा, मैं तीन बर्फ लेके आया हूँ तो लगाने तीनों तुमने जब तक ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए. तो देखना मैं लगाऊंगा इसको या फिर गाना अंदर है फास्ट करके पता करता रहती है. A few moments later. तो यार बर्फ लगाने के बाद देखो पूरा मुंह रेड हो जाता है. बट चिंता मत करो, तुम सोच रहे होंगे कि यार बिल्कुल स्किन में हाश हो गया, कुछ नहीं हुआ. एक टॉवल लेना है और सबसे पहले फैन ऑन करना है और मुंह को सुखाना है, बिल्कुल मुंह को सुखाना है. फैन मैंने कर दिया है ऑन. अब टैप टैप कोई कोई ऐसे ऐसे करता है, ऐसे नहीं करना है. इससे क्या होता है जो पिंपल होते हैं और वो उभरते हैं, मतलब और बड़े हो जाएंगे वो. सिंपल टावल, अलग सा टावल लगाना, सॉफ्ट सा टावल लिया और इसको टैप 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 आराम से, फिर ऐसे आराम से टैप 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 करना है. बाल को सुखा लेना है ऐसे करके, बाल को सुखा लिया ऐसे ऐसे टैप टैप ऐसे 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 बिल्कुल छूट जाएगा. और थोड़े बाल को भी साफ कर लेते हैं
ऐसे करके और फिर टा 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 बस अभी मैं सुखाता हूँ मुँह, फिर करते हैं बात। अभी हमने कर लिया है मुँह को और पहुँच लिया आराम से, तो अभी लगाऊंगा मैं हिमालयन की है बेबी क्रीम मॉइस्चराइजर, तो बहुत अच्छा है, तुम्हें भी रिकमेंड करता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल ऑयल नहीं छोड़ती क्रीम लगाने के बाद, तो इसको थोड़ी सी हम लेते हैं बैठी लिए हैं तो ये ले तो पता आराम से इसको रोके आराम से मुंह पे पूरी लगानी है। तो गाइस सब कुछ हो गया मॉइस्चराइजर भी डन, तो अब मैं मेन इंग्रेडिएंट जो लगाता हूँ जो मेरी स्किन को बिल्कुल व्हाइट कर देता है और जो मेरे पिंपल्स हैं बिल्कुल गायब, और जो सबसे मेन इसका एडवांटेज है जो मेरे को डार्क स्पॉट्स हुए थे जब मैंने पिंपल फाड़ा करता था मैं तो मेरे को ना पता था। तो बेसिकली इसमें मैंने लिया हल्दी और दूध, सिंपल हल्दी तो तुमने अच्छा तुमने सुना होगा कि हल्दी इज वेरी गुड फॉर द फेस, तो थोड़ी ज़्यादा पिंपल्स हुए मैं उसको दबाऊंगा टाइम टाइम तुमने पूरे फेस पे लगा देना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूरे फेस में पिंपल मेरे को ज्यादा हुआ मैं वहीं पे लगाऊंगा, जैसे मेरे चीक्स में मेरे को थोड़े थोड़े स्पॉट्स पड़ गए हैं तो यहाँ पर टैप टैप करके ऐसे करके लगा लूंगा। A few moments later. तो गाइस आई एम ऑल सेट फॉर टुडेज नाइट, तो बिल्कुल मैंने कर लिया। तो ये क्या होगा सुबह जब तुम उठोगे तो थोड़ा सा जो कलर होगा हल्दी का वो रह जाएगा, बट तुम जब फेस वॉश करोगे तो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, बट सारे बॉयज यार या कोई भी गर्ल भी कर सकती है तो तुम प्लीज इसको फॉलो करो, 100% तुम्हारे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और मैं भी डेली ब्लॉग शूट करता हूँ तो तुम्हें रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए।